अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप सबके साथ हसन चौहान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ऑल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने बर्ड लेकर आया हूं उसका नाम है फेलो रेड आइज। आज आपको मैं फेलो रेड आइज के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा और रेड आई और फेलो में जो दोस्त कहते हैं कि सेम है उसका डिफरेंट भी बताऊँगा कि उनमें सेम नहीं है, ये फेलो और चीज़ है, रेड आइज और चीज़ है, इसके बारे में आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले आपके रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, आज हम एक बहुत खूबसूरत परिंदे के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है फेलो। फेलो की क्या पहचान है? फेलो की पहचान यूँ है कि इसकी आँख फुल रेड होती है क्योंकि इसे रेड आई फेलो कहा जाता है। इसकी रेड आई की तरह आँख फुल रेड होती है और इसके ऊपर जो होता है ना, परों के ऊपर, वो बजरी वाली छाप होती है। इस तरह ये बन जाता है फेलो। इसकी आँख भी रेड होती है क्योंकि इसके परों के ऊपर भी छाप होती है, इसलिए इसे फेलो कहा जाता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में इसके परों के ऊपर बहुत खूबसूरत छाप बनी हुई है ब्लैक कलर की। और इसके कई कलर होते हैं लेकिन एक ही परिंदे के ऊपर ज़्यादा कलर नहीं होते, ये एक एक ही कलर का होता है। येलो हो तो येलो होता है, वाइट हो तो फुल वाइट होता है, सिर्फ इसके ऊपर छाप जो होती है ना वो ब्लैक होती है। इसके किस डिफरेंट कलर आ जाते हैं। रेड आइज़ के सिर्फ तीन कलर हैं लेकिन इनमें बहुत से कलर हैं। इनमें वाइट भी है, ब्लू भी है और येलो भी है। इसके अंदर ग्रीन भी आ जाता है, इसमें ज़्यादा कलर आ जाते हैं। और ब्रीड्स की अगर बात की जाए तो वो तो ये बेमिसाल है, ब्रीड तो इसकी सबसे आगे है, बजरी से भी ये आगे ब्रीड दे सकता है। जी दोस्तों, ये बजरी से भी अच्छी ब्रीड दे सकता है। तो दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे कि ये बजरी से अच्छी कैसे ब्रीड दे सकता है, क्यों? इसकी के अंदर दो बर्ड्स की ब्लड लाइन है, रेड आइज की भी ब्लड लाइन इसके अंदर है और बजरी की भी है, क्योंकि इसकी आँख भी रेड है, इसका कलर भी एक जैसा, सारा पूरे जिस्म का इसका कलर एक ही है। ये दो इसकी रेड आइज की सहूलतें हैं और जो इसके परों के ऊपर छाप है वो बजरी की है। इसके लिए इसके अंदर बजरी का भी ब्लड है और रेड आइज का भी है, इसलिए ये दो नस्लों की एक नस्ल है। ये दोस्तों क्रॉस ब्रीडिंग का निकला हुआ एक परिंदा है, इसलिए इसके अंदर दो तरह की खूबियां पाई जाती हैं, रेड आइज और बजरी की। ब्रीड में ये सबसे आगे कैसे है? क्योंकि ये आपको 8 से 11 तक अंडे दे सकता है, 8 से 11 तक, 8 भी दे सकता है, 9, 10, 11, इतने आप जैस इसकी खुराक पे डिपेंड करता है। जितनी आप इसको अच्छी हीटअप गर्म खुराक, अच्छी खुराक देंगे उतनी ये आपको ब्रीड देगा। और ये ब्रीड भी बहुत अच्छी करता है, बच्चे भी अपने बहुत अच्छे, ये उनको भी फील्ड करवाता है और बहुत अच्छी ये ब्रीड देता है आपको। एज इसकी भी दोस्तों सेम है, इसका भी जो है ना एज रेड आई बजरी के बराबर ही है। पट्ठे की भी ये 8 मंथ का हो तो ब्रीड अच्छी करता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट बात है कि ये ब्रीड शौकीन हज़रात के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर छाप भी बहुत अच्छी आती है, ये रेड आइज भी है, ये बच्चे भी बहुत अच्छे लेकर आता है, उनको भी बहुत अच्छा ये पाल के देता है। इसकी भी कोई पहचान मुश्किल नहीं है दोस्तों। इसकी पहचान भी आपको बता दूँ कि ये जो पट्ठा होता है ना, उसके जो सर के ऊपर वाले बाल होते हैं ना, इनके ऊपर छाप के बहुत हल्के निशान होते हैं पट्ठे के सर पे, और परों के ऊपर भी कम हल्के हल्के निशान होते हैं, ज़्यादा गहरे नहीं होते। और कलर भी इसका जो होता है ना वो थोड़ा सा स्लो होता है, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं होता। जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो उनके ऊपर छाप भी बिल्कुल वाजिया नज़र आती है, और तो छाप भी बहुत अच्छी नज़र आती है। और जो इनकी आँखों के पीछे वाली छाप होती है ना, वो अडल्ट की बिल्कुल क्लियर होती है, पट्ठे की वो नहीं होती, ये इनकी पहचान। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इस वीडियो से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा फ्रेंड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।